क्वाड्रम थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तर्रा में घटित मोबाइल दुकान में नकबजनी के मामले का खुलासा बुधवार को एसपी दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पत्रकार वार्ता में करते हुए बताया कि आरोपियों ने साइड शटर को उखाड़कर घटना को अंजाम दिया था, लेकिन मोबाइल दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कैद हो गए थे। सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपियों की पहचान हुई और मामले में चार आरोपियों राहुल ठाकुर, शेखर ठाकुर उर्फ सोनू, विकास हियाल तथा योगेश निर्मलकर को पकड़कर उनके कब्जे से 17 मोबाइल, 5 स्पीकर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। मामले की जानकारी दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मीडिया को दी। मेरा नाम त्रिभूषण लाल साहू है। दुकान का नाम क्या? श्री राम कंप्यूटर मोबाइल के नाम से मेरा दुकान है, वो ग्राम तर्रा आमा पेंडी चौक में स्थित है। वो ग्राहक सेवा केंद्र और मोबाइल रिपेयरिंग का काम है मेरा। जो 12 अगस्त को मेरी दुकान में रात में चोरी हो गया था, जिसकी सुबह मैं थाना पाटन थाना में वो रिपोर्ट लिखवाया था। उसको रिपोर्ट होने के बाद पाटन थाना पुलिस जो है कार्य में पूरा लगा रहा, जिससे आज जो है मेरा दुकान का चोर और सामान मिल गया है। और इसके लिए पाटन पुलिस और सीबीआई वालों भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। 18 मोबाइल चोरी में एक मोबाइल ऑन हुआ, उसका भी लोकेशन कंफर्म किया गया और टेक्निकल और ह्यूमन सूचना के आधार पे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 17 मोबाइल, स्पीकर, बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 2 बाइक जो कि चोरी में इस्तेमाल की गई थी, करीब 3 लाख का सामान जो है जो जब्त किया गया। पुलिस द्वारा जो है ईसीसी यूनिट और पाटन पुलिस द्वारा लगातार ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस को फॉलो किया जा रहा था। पुलिस ने पेशेंस रखा और अंत में इन चारों को पकड़ा। ये लोग पहले इनकी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पहली बार ये चोरी में पकड़े गए हैं। ये सब नौजवान हैं, सभी लोग अलग अलग दुकानों में काम किया करते थे, ये शराब के आदि थे और इसी चक्कर में जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में इन लोगों ने इस चोरी के वारदात को अंजाम दिया। जो 2 हैं वो बगल के ही गांव लोहरसी, जो कि तर्रा से लगा हुआ गांव है, उसी के रहने वाले हैं। लगातार वो रोड से जाते थे तो इस दुकान पे इनकी नज़र थी। निश्चित रूप से समाज के लिए डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, जिस तरह से यंग लड़के, हम लोग दुर्ग पुलिस जो है विजुअल पुलिसिंग के अंतर्गत गाँव शहर में घूम के लोगों को जागरूक कर रही है, नशे के खिलाफ अवेयरनेस फैला रही है और नशाखोरों पर कार्रवाई कर रही है। इसी तारतम्य में कार्रवाई हुई है। अभी तक पिछले 8 महीने में दुर्ग पुलिस ने 330 आरोपी, जो चोरी के आरोपी हैं, उनको पकड़ने में कामयाबी मिली है, उनको जेल में डाला है और उनके पास से 2,15,00,000 की माशुका जो है रिकवर हुई है। लगातार प्रॉपर्टी ऑफेंसेज और चोरी में दुर्ग पुलिस को सफलता मिल रही है।